अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एसी एंड दी डीएस एलिमेंट्स। ठीक है, तो एसी और डीएस एलिमेंट को हम कंट्रोलेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज दी कंट्रोलेबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, तो आपको इस तरह भी आ सकता है, डिस्क्राइब द कंट्रोलेबल एलिमेंट्स इन मेज, या फिर आ सकता है एसी एंड डीएस एलिमेंट इन मेज। तो एक साइंटिस्ट था हमारे पास, एम सी क्लिंटॉक। इन्होंने जो था वो डिस्कवर्ड किए थे ट्रांसपोजोन मेज के अंदर। दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ट्रांसपोजोन इन मेज, जिसको हम कॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोजोन में पता है वो जो होते हैं पार्ट होते हैं डीएनए का, वो जो एक जगह से दूसरी जगह विदन जो है वो डीएनए मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से देखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है कि इसको डिस्कवर्ड किया था जो हमारे पास ट्रांसपोजोन से एंडोस्पर्म को कंसीडर करके, दिस मेज एंडोस्पर्म इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसपोजोन्स बाय एम सी क्लिंटॉक। ठीक है, इसने जो था एम सी क्लिंटॉक ने इस मेज के एंडोस्पर्म को जो है वो कंसीडर किया था ट्रांसपोजोन्स को डिस्कवर्ड करते वक्त। ठीक है, तो हमें ये बात का पता है कि जो ट्रांसपोजोन है ये फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के ऊपर, जो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। दीज आर दी फ्रेगमेंट्स ऑन दी डीएनए विच चेंज इट्स पोजीशन, चेंज पोजीशन, पोजीशन ये चेंज करते रहते हैं विद इन जीन्स, जीन्स के जीन्स में। ठीक है ना, तो एक ही डीएनए के पार्ट में। और उसके बाद क्या है हमारे पास, हम एसी और डीएस एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। तो जो अगर एसी की बात करें तो ये एक एक्टिवेटर सीक्वेंस होता है। एसी एलिमेंट इज एन एक्टिवेटर सीक्वेंस। ठीक है, एक्टिवेटर सीक्वेंस होता है ये हमारे पास, और ये एक्टिवेटर सीक्वेंस के पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये एक्टिवेट कर दे या इन्हेंस कर दे मूवमेंट दूसरे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की। ठीक है ना, दिस एसी एक्टिवेटेड सीक्वेंस एलिमेंट हैव द एबिलिटी टू इन्हेंस दी और टू इन्हेंस और एक्टिवेट। ठीक है ना, या फिर एक्टिवेट कर इन्हेंस दी मूवमेंट, मूवमेंट को इन्हेंस कर दे या फिर एक्टिवेट कर देता है ये, क्योंकि एक्टिवेटेड है तो एक्टिवेट कर देता है दूसरे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को, एक्टिवेट दी अदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो मोस्टली कॉमन जो है वो हमारे पास है डीएस एलिमेंट, जिसको ये एक्टिवेट करता है। ठीक है ना, और उसके बाद सेकेंड पे हमारे पास डीएस एलिमेंट। तो डीएस एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, डिसोसिएशन सीक्वेंस। ठीक है, और ये डिसोसिएशन सीक्वेंस ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये जो होती है ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिवेटेड सीक्वेंस इज एन एक्टिव फॉर्म एंड दिस डिसोसिएशन सीक्वेंस इज एन इनएक्टिव फॉर्म। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है इसको कौन जो होता है वो एक्टिवेट करता है, देन इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द एसी एलिमेंट बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ डी एस एलिमेंट। ठीक है ना, तो एक्टिवेट करता है इसको, ठीक है, एक्टिवेटेड बाय एसी एलिमेंट। हम देखेंगे कि एसी एलिमेंट इसको किस तरह एक्टिवेट करता है ताकि ये अपने प्रोसेसेस कर सकें। ठीक है ना, तो वो एक्टिवेट करता है इसकी लोकेशन को चेंज करवा के। ठीक है ना,
लोकेशन इसकी वो चेंज करवा देता है, जिसकी वजह से ये किसी और डीएनए के अंदर इंसर्ट हो के एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है ना। जो हमारे पास डीएस एलिमेंट है इसकी लोकेशन चेंज करवाता है एसी एलिमेंट। इसी तरह अगर तो ये वहीं पे पड़ा होगा जहाँ पे वो पहले था तो ये इनएक्टिव होगा, लेकिन अगर इसकी पोजिशन चेंज करवा देगा एसी एलिमेंट, इसकी लोकेशन चेंज करवा देगा, तो ये जो है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए के ऊपर ना ये हम सीक्वेंस की बात करते हैं, ये हमारे पास है डीसी एलिमेंट, सॉरी डीएस एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे एसी एलिमेंट, और इस एसी एलिमेंट में एक जीन मौजूद होता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजेज जीन। ये ट्रांसपोजेज जीन जो होता है, ठीक है ना, इससे बनता है हमारे पास एमआरएनए, ठीक है। और उसके बाद एमआरएनए के अंदर होती है ट्रांसलेशन, और फिर नेक्स्ट बनती है प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है? ट्रांसपोजेज इंजाइम होती है प्रोटीन हमारे पास, ठीक है। ये जो होता है ट्रांसपोजेज इंजाइम, ठीक है, ये हमारे पास है ट्रांसपोजेज इंजाइम। ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स पे ये अटैक करेगा और क्या कर देगा, इसको डीएस एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, इसकी प्लेस करवा देगा चेंज। अब ये हमारे पास आ गए हैं डीएस एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब ये डीएस एलिमेंट क्या होगा, हमारे पास कोई और जो है वो यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे आके इस डीएस एलिमेंट ने इंसर्ट हो जाना है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस था ये जीन डी का, इस जीन डी के अंदर आके कौन इंसर्ट हो गया है? डीएस एलिमेंट। और यहाँ इंसर्शन के बाद ये क्या हो गए हैं? एक्टिवेट, और प्रोसेसिस को जो है वो प्रोसेसिस के अंदर चेंजेस जो है वो वाजह तौर पर दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो जो होते हैं ना हमारे पास एसी एलिमेंट, इनके अंदर ये लार्ज होते हैं और इनके अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 3500, ठीक है ना। एसी के अंदर बेस पेयर होते हैं 3500, ठीक है, ये लार्ज होते हैं साइज में। और डीएस एलिमेंट जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास स्मॉलर इन साइज, हैविंग बेस पेयर 1500 to 2500 बेस पेयर्स, ठीक है। तो एसी एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं इसकी पोजीशन को और इसको कर देते हैं एक्टिवेट, ठीक है ना। जब ये किसी और जीन के अंदर इंसर्ट हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो गई है, डीएस एलिमेंट एक्टिवेट हो गई है। और किस तरह ये करते हैं पोजीशन को चेंज, इंजाइम्स प्रोड्यूस करवा के, ठीक है। तो मैं ये ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दूँ इसको, फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो है वो एसी और डीएस एलिमेंट मेज के अंदर इसको हम कंट्रोलेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। एमसी क्लिनटॉक एक साइंटिस्ट था जिसने ट्रांसपोजोन को डिस्कवर किया था मेज के अंदर, मेज के एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो ट्रांसपोजोन जो होते हैं चेंज करवा सकते हैं पोजिशन को, ठीक है ना, अपनी पोजिशन चेंज कर सकते हैं ये
तो ये ट्रांसपोजोम होते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं विद इन जीन। तो एसी और डीएस एलिमेंट की बात करें, जो एसी होते हैं एलिमेंट, ये एक्टिवेटेड सीक्वेंस होते हैं जो एक्टिवेट कर देते हैं डीएस एलिमेंट को, ठीक है ना। किस तरह एक्टिवेट करते हैं, उनकी पोजीशन उनकी लोकेशन को चेंज करवा के दूसरे डीएनए के अंदर जब वो इंसर्ट कर जाते हैं, दूसरे जीन के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे पास जो डीएस एलिमेंट है ये हमारे पास है इनएक्टिव फॉर्म। एसी थी एक्टिव फॉर्म, डीएस एलिमेंट की फॉर्म है इनएक्टिव फॉर्म। इनको एक्टिवेट करते हैं एसी एलिमेंट, ठीक है ना, उनकी लोकेशन को चेंज करके। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो डीएनए है जिसके ऊपर डीएस एलिमेंट और एसी एलिमेंट हम दोनों देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डीएस एलिमेंट थे इनएक्टिव फॉर्म और ये जो एसी एलिमेंट की एक्टिव फॉर्म है इसके पास एक इंजाइम होता है, यहाँ पे ट्रांसपोजेज इंजाइम, सॉरी जीन होती है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजेज जीन। ये जीन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर बाद में ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या होती है हमारे पास, ट्रांसपोजेज एंजाइम। ये ट्रांसपोजेज एंजाइम अटैक कर देती है किसके ऊपर, डीएस एलिमेंट के ऊपर, ठीक है ना, दोनों साइड्स पे, और इसको कर देती है वहाँ से डिस्प्लेस। ये हमारे पास आ गई। अब इसने जो ये डिस्प्लेस्ड हमारे पास थी डीएस एलिमेंट, इसने ये इंटीग्रेट कर गया किसके अंदर, एनदर जीन के अंदर। हमारे पास फर्ज करो आप हमारे पास डी जीन है, ठीक है, इसके अंदर ये इंटीग्रेट कर चुका है डीएस एलिमेंट, और यहाँ पे जाके ये क्या हो सका है, एक्टिवेट हो चुका है। इन्होंने अपनी जो है वो अपने जो खुद को एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर म्यूटेशन जो होती है इस स्ट्रैंड के अंदर देखी जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डिलीशन हुई है ट्रांसपोज, अगर म्यूटेशन होती है किसी भी स्ट्रैंड के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोजेज जीन है उसकी क्या हो गई, यहाँ से डिलीशन हो चुकी है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो है वो सीक्वेंस, अगर ट्रांसपोजेज जीन ही नहीं है तो सीक्वेंस हमेशा इस तरह ही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि हमने यहाँ पे इसकी भी बात कर ली है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेज़ की, ठीक है ना, किस तरह मेज़ के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो एसी और डीएस एलिमेंट की इनकी स्टडी किस तरह मेज के अंदर की जाती है। तो यहाँ पे आप पॉइंट एक लिख लो, स्टडी इन मेज, ठीक है। तो मेज के अंदर इसकी स्टडी को हम देखते हैं। तो जनरल कलर जो होता है ना हमारे पास मेज का, वो कौन सा होता है, येलो और वाइट। ये हमारे पास एक जनरल कलर है किसका, मेज़ का, ठीक है। तो ग्रीन कलर जो होता है ना, जो मेज़ का ग्रीन कलर है, बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, ग्रीन कलर इन मेज़ डिपेंड्स अपॉन द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है, अभी हम आगे देखेंगे किस तरह ये एंडोस्पर्म के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये स्टडी जो थी ये किसके ऊपर हुई थी, ये पर्पल कलर के ऊपर हुई थी, कर्नल के। हमें पता है जो कर्नल है वो क्या होता है, जो एक दाना होता है इसका, हमारे पास जो मेज़ है, ठीक है ना। तो उसका कलर क्या था हमारे पास, एक दाने का कलर था पर्पल। तो इस पर्पल कलर के ऊपर क्या हुई थी, स्टडी हुई थी पर्पल कलर ऑफ मेज, उसके ऊपर स्टडी की गई थी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, जो ओरिजिनल कलर होता है ना वो पर्पल ही होता है, लेकिन उस पर्पल कलर के अंदर हमारे पास अगर हम देखें मेज़ का, ये जो पर्पल कलर होता है मेज़ का, दिस इज़ इट्स ओरिजिनल कलर, लेकिन क्या होता है कुछ म्यूटेशंस आती हैं जिसकी वजह से जो होती है ये ओरिजिनल कलर जो होती है ये चेंज हो जाता है दिस येलो और वाइट कलर में। और हमें हमेशा ही फिर मेज़ जो होती है मोस्टली केसेस में हमेशा ही ये येलो और वाइट कलर में होती है, क्यों, क्योंकि इस पर्पल कलर की जीन्स में कुछ आती है म्यूटेशंस, ठीक है ना, म्यूटेशंस आती हैं यहाँ पे कुछ। तो क्या होता है कि अगर हम बात करें कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है ना पर्पल कलर के लिए, उसको हम कहते हैं सी जीन्स। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, ठीक है,
तो पर्पल कलर जीन्स है हमारे पास यहाँ पे, ये और ये सी जीन्स, ठीक है, ये हमारे पास है पर्पल कलर जीन्स। और उसके बाद है डीएस एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास होगा एक ये हमारे पास क्या है डीएस एलिमेंट, ये हमारे पास जीन, डीएस एलिमेंट जीन। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे, पता है कि ना डीएस एलिमेंट है, डीएस एलिमेंट ने एक्टिवेट होना है किस तरह, एसी एलिमेंट के इंजाइम को यूज़ करके, जो एसी एलिमेंट इंजाइम बनाता है उसको यूज़ करते हुए। डीएस एलिमेंट के साथ ही पड़ा है हमारे पास, ये है एस सी एलिमेंट, ठीक है ना, ए सी एलिमेंट। इसके पास यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, सॉरी जीन है, ट्रांसपोजेज जीन है। इस ट्रांसपोजेज जीन ने क्या बनाना है, मैसेंजर आरएनए बनाना है, ठीक है। इस मैसेंजर आरएनए ने क्या करनी है, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन से क्या चीज़ बननी है, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन यहाँ पे बनेगी हमारे पास, ट्रांसपोजेज प्रोटीन, ठीक है ना। ट्रांसपोजेज प्रोटीन कौन सा होता है, ट्रांसपोजेज इंजाइम है ये हमारे पास। ये इंजाइम ने क्या करना है, इसने यहाँ से कट डाउन करवा देना है इस डीएस एलिमेंट को, ठीक है। और कटिंग डाउन से इस डीएस एलिमेंट, अब ये डीएस एलिमेंट हमारे पास यहाँ से कट होके ये आ गया है, ये लें जी, ये डीएस एलिमेंट हमने यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। कटिंग करके किस तरह, इस ट्रांसपोजेज एंजाइम की मदद से, ये हमारे पास डीएस एलिमेंट। यही डीएस एलिमेंट हमने इंसर्ट करवा देना है इस सी जीन के अंदर। किस तरह करवाना है सी जीन के अंदर, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से सी जीन को रिमूव कर देती हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं यहाँ तक, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, सी जीन, ठीक है। तो अभी इस डीएस एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, ये लें जी, ये हमारे पास आ गया डीएस एलिमेंट सी जीन में, ठीक है ना। तो ये जो होती है, अब जो ये सी जीन होती है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, C1 जीन के अंदर। पहले जब इसके अंदर कुछ नहीं था तब ये थी सी जीन, यहाँ से डीएस एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो के यहाँ तक आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हो गया, यहाँ पे हो गया, इंसर्ट हो चुका है, तो ये सी जीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, C1 जीन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुई है, म्यूटेशन इन जीन, इसको हम कहते हैं कि ये म्यूटेशन हुई है जीन के अंदर, ठीक है। और जीन सप्रेशन भी इसको कहते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो सी जीन थी, सी जीन ने क्या देना था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सी जीन जो नॉर्मल थी उसने कलर देना था पर्पल, ठीक है, कर्नल को जो है वो पर्पल कलर देना था। लेकिन अब क्या होगा, अब म्यूटेशन आ गई है सी जीन के अंदर, ठीक है ना। सी जीन किसके अंदर म्यूटेट कर गई है, म्यूटेशन की वजह से ये सी जीन चलेगी है C1 जीन के अंदर। C1 जीन की अगर हम देखें होता क्या है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सी जीन प्लस डीएस एलिमेंट, डीएस एलिमेंट और सी जीन का कम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। और ये जो C1 जीन है ये पर्पल कलर नहीं देगी, ये कौन सा कलर देगी, येलो और वाइट, येलो और वाइट कलर ये देगी, ठीक है। अब क्या होगा कि मेज ग्रीन जो होगा वो भी क्या होगा, येलो होगा। तो हम जो अपनी हम डेली लाइफ में मोस्टली देखते हैं,
तो इसका मतलब क्या है, एक चीज़ पॉइंट आउट करने वाली है कि जो भी हम जो होती है वो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, इसका मेज का कलर, मेज के कर्नल्स का कलर वो कौन सा होता है, येलो होता है, सॉरी ये तो मैंने पहले भी लिखा हुआ था यहाँ पे, वो ये हम देखते हैं येलो और वाइट अपनी डेली लाइफ में, तो वो कलर होता है किस तरह, म्यूटेटेड जीन का कलर होता है, ठीक है ना, डेली लाइफ, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये म्यूटेंट फॉर्म जो होती है इसको हम C1 फॉर्म कहते हैं, इसको हम इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं, जो मतलब कि ये इनहिबिशन करती है पर्पल जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है ना, उसको सप्रेस कर देती है पर्पल जीन के एक्सप्रेशन को, और खुद येलो और वाइट कलर एक्सप्रेस कर देती है। तो जब भी सी जीन पाई जाएगी, एंडोस्पर्म जो होगा वो पर्पल ही होगा, ठीक है ना। और एक मज़े की बात पता क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास होती है ना C1 जीन, वो हमेशा क्या होती है, डोमिनेंट, ऑलवेज डोमिनेंट होती है ये, ठीक है ना, इट इज़ ऑलवेज डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है। और जो हमारे पास होती है CIC कम्बिनेशन, ये क्या होता है, ये अगर आ रहे तो हमारे पास एंडोस्पर्म कलर लेस ही होगा, क्योंकि ये C1 जीन है, ये क्या होती है, ये हमारे पास डोमिनेंट होती है। तो एक कम्बिनेशन आता है CIC जीन का, तो ऑब्वियसली जो C1 है ये क्या है, हमारे पास डोमिनेंट है ओवर पर्पल, तो ये कलरलेस होगा एंडोस्पर्म, क्योंकि डोमिनेंट वही है जो डोमिनेंट वही जीन है जो कलरलेस बिहेवियर शो करती है, ये येलो और वाइट कलर को शो करती है, ठीक है। तो अगर ये DS एलिमेंट को डिलीट कर दिया जाए सी जीन में से, मतलब कि C1 इस तभी बनता है ना जब DS+C जीन होते हैं, तो अगर इस DS एलिमेंट को यहाँ से हम हटा दें, मतलब कि ये वाला जो जो रेड पोर्शन है वो क्या कर दें, ये ख़त्म कर दें, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ आपके सामने, ये लें जी, ये मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अगर इस C1 जीन में से ये DS एलिमेंट का पोर्शन ख़त्म कर दें, तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगी सी जीन के अंदर, और सी जीन में से अगेन कलर कौन सा शो करने लग जाएगी, पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर शो करने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि नॉर्मल जीन जो होती है एंडोस्पर्म के लिए वो होती है सी जीन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, नॉर्मल जीन इज सी जीन, दिस सी जीन गिव पर्पल कलर, ठीक है। तो उसके बाद है म्यूटेंट जीन हमारे पास कौन सी होती है, C1 जीन, और ये C1 जीन कौन सा कलर देती है, येलो और वाइट, येलो कलर देगी या फिर वाइट कलर देगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक है फीमेल सी जीन, अगर हम यहाँ पे बात करें फीमेल और मेल के क्रॉस की, ठीक है, तो एक तरफ है हमारे पास सी जीन, ठीक है, और दूसरी तरफ है C1 जीन, ठीक है, सी जीन और C1 जीन, और क्रॉस करवाया है, और जो जाइगोट आया है उसके अंदर कौन सी जीन्स हैं, C C1 जीन्स, दोनों का ये कम्बिनेशन है। तो हमें बताया कि डोमिनेंट कौन सी है, C1 थी ये हमारे पास डोमिनेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है ये वाली बात, ठीक है, और ये सी जो है ये कौन सी है, रिसेसिव, ठीक है।
एंडोस्पर्म फिर क्या होगा, ऑब्वियसली डोमिनेंट वाला ही होगा, मतलब कि येलो और वाइट कलर तो कलरलेस होगा, ठीक है ना हमारे पास। तो अगर हम कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक तरफ है ये है हमारे पास सीजिन, ठीक है, दूसरी भी है हमारे पास सीजिन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड पे कौन सी है, सी वन, ठीक है, ये इसको इसी तरह बना के ना, ठीक है, इसके दरमियान में हमने लिख देनी है कि ये हमारे पास डी एस एलिमेंट आ गया है ये वाला, और तो ये कौन सी बन गई है, सी वन जीन, ठीक है। तो अगर हम इनके कम्बिनेशन की बात करें तो ये जो है सी वन जीन, ये इन दोनों के ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी डोमिनेंट, ठीक है, ये इन दोनों के ऊपर डोमिनेंट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सी वन जीन है ये क्या करेगी, ये डोमिनेंट है तो यही एक्सप्रेस करेगी, और कलर क्या होगा, वाइट या फिर येलो, वाइट या फिर येलो कलर यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह ही ये जो है वो कंट्रोल करते हैं ये वाले एलिमेंट्स एसी और डीएस एलिमेंट मेज के अंदर कर्नल के कलर को, ठीक है ना। इसीलिए हम इनको, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को, इसीलिए हम इनको कंट्रोलेबल एलिमेंट कहते हैं। तो आई होप सो कि आपको एसी और डीएस एलिमेंट इन मेज की समझ लगती होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।